एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट। यहाँ पर सीरीज आरएलसी सर्किट का बात कर रहा है, यहाँ पर आर हो गया, एल हो गया और ए सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सोर्स देकर कुछ रखे, तो यहाँ पर बात कर रहा है द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस सी एंड एल रेस्पेक्टिवली। तो मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस सी और एल क्या होगा, ठीक है। तो जेड क्या होगा, आर प्लस जे इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी। तो यहाँ पर अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, मतलब जो भी जेड या फिर वाई आता है वो पूरी तरह से रियल आता है। तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देंगे, तो अगर इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते हैं तो एक्सएल माइनस एक्ससी क्या होगा, जीरो आ जाएगा। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी मेरा आ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर आई इंटू एक्सएल और आई इंटू एक्ससी, तो आई तो दोनों केस में सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में सारा कनेक्टेड है। तो ए जब सेम रहेगा तो ए क्या होगा, इक्वल होगा, वोल्टेज हो जाएगा वो इक्वल होगा, इक्वल यहाँ पर दो ठो है। उसके बाद अगर हम फेज की बात करें तो एक में अगर वोल्टेज हम निकाले तो ये होगा आई इंटू एक्सएल, और दूसरा में अगर हम वोल्टेज निकाले वी सी तो ये होगा आई बाई जे ओमेगा सी। एक्सएल को हम लोग जे ओमेगा एल लिख सकते हैं, आई इंटू जे ओमेगा एल। तो इसको हम लोग अगर जे को ऊपर लेकर के जाए तो माइनस आई डिवाइडेड बाई ओमेगा सी इंटू जे। तो देख रहे हैं एक पॉजिटिव यहां पर आया है और एक निगेटिव आया है, तो मतलब फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। जे जे दोनों का सेम है, एक पॉजिटिव आया एक निगेटिव आया, तो 180 का फेज डिफरेंस हो जा रहा है। इसके अलावा कुछ और अगर हम इंपॉर्टेंट चीज देखें तो एक जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो रेजोनेंस कर्व के बारे में पूछा जाता है। तो रेजोनेंस कर्व हमको ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा जब भी ड्रॉ किया जाता है तो ये करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच ड्रॉ किया जाता है। और आरएलसी अगर सीरीज की बात करें तो आई का जो वैल्यू होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई जेड इज इक्वल टू वी वाई, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर आर, अदरवाइज वी वाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो यहाँ पर वैल्यू आर का कम है क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होगा, जब होगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो यहाँ पर आर मिनिमम है, तो मिनिमम है तो करंट क्या आएगा, मैक्सिमम। तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगर इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इस टाइप से नजर आएगा। तो इसको जो हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व बोलते हैं, रेजोनेंस कर्व। इसके अलावा अगर हम जेड और ओमेगा के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर मेरा जेड होगा और ए ओमेगा होगा, तो जेड का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर आएगा, मिनिमम कहां पर आएगा, तो मिनिमम तब आएगा जब यहाँ पर इसको हम ए जेड बोलेंगे, ए मिनिमम तब आएगा जब ए वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। अदर अलावा इसके अलावा अगर ए निगेटिव भी रहा तो उसका होल स्क्वायर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ये क्या आएगा, मिनिमम आएगा जेड का वैल्यू और फिर ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये होता है जेड और ओमेगा के बीच का कर्व। उसके अलावा अगर हम देख वीसी और वीएल के बीच का वोल्टेज तो कुछ इस टाइप से आता है, ये मेरा वोल्टेज हुआ और ए फ्रीक्वेंसी हुआ। तो अगर हम बात करें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो जस्ट ये जो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले ए मैक्सिमम होता है, उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है ए जो वोल्टेज होता है इन कैपेसिटर के अक्रॉस वो घटना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि वी इज इक्वल टू होगा आई इंटू वन बाई जे ओमेगा सी, अगर हम मोड का बात करें तो सी तो मेरा कॉन्स्टेंट है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैल्यू घटता चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर डाउन होता चला जाएगा। उसके बाद हम बात करें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की, तो वो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर लोअर फ्रीक्वेंसी पर हम बात करें तो जो मेरा सर्किट होगा वो कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा, लीड करेगा, और अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी में बात करें तो फिर वो क्या करेगा, लैग करेगा, इंडक्टिव हो जाएगा मेरा सर्किट। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा।